हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप रिजर्वेशन फॉर्म को किस तरह फिल करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे तरीके के साथ बताने वाला हूं कि आप रिजर्वेशन फॉर्म को बड़े आसानी के साथ किस तरह फिल कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी के साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने कैमरे को यहाँ पे जूम कर दिया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे गाड़ी संख्या और नाम, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रेन नंबर एंड नेम। तो आपको गाड़ी का नाम नंबर याद है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर एंटर कर देना है। अगर गाड़ी का नंबर आपको पता है तो यहाँ पे गाड़ी का नंबर यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन का जो नाम होता है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से आपको फिल करना है। तो ट्रेन नंबर पहले मैं यहाँ पे अपना एंटर कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे 12322 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है नाम। तो मैंने यहाँ पे नाम को लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जिस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं उस दिन आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 तारीख 7वां महीना 2019 तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे किस क्लास श्रेणी किस क्लास में आप जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एस और एल स्लीपर्स क्लास में मैं यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको आने के बाद आपको अगर आपको यहाँ पे लोअर सीट चाहिए तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए लोअर सीट। तो आप जिस स्टेशन से आपको जाना है यहाँ पे आपको सिंपली आपको लिख लेना है कि आपको जिस स्टेशन से जाना है यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए मैं जिस स्टेशन जा रहा हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CST फिर M लिख दूँगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। तो यहाँ पे मैं इसमें इस तरह मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कहाँ तक जाना है आपको जिस स्टेशन जाना है आपको, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गया। ओके, गया लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन, जिस स्टेशन से आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं उस स्टेशन का यहाँ पे, तो आपको सिंपल यहाँ पे फिर से लिख देना है SC ST और यहाँ पे फिर से M लिख देना है। इस तरह आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गए, तो यहाँ पे मैं गया यहाँ पे लिख लिया। ओके, ये सब लिखने के बाद दोस्तों, आपको मोबाइल दूरभाष नंबर यदि कोई हो तो आपके साथ दूरभाषा अगर कोई भी हादसा होता है तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर इसमें दे देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे इस तरह और यहाँ पे स्पष्ट नाम स्पष्ट अक्षरों में 15 से अधिक ना हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है
तो यहाँ पे चलिए मैं 15 अक्षर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो आप इसको ध्यान दीजिए कि 15 अक्षर से ज़्यादा ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे लिख दूंगा जिस बंदे को आपको लेके जाना है यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे इंडियन लिख लेना है आपको सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आप पुरुष है या मेल, यहाँ पे मेल, और यहाँ पे भी आपको मेल को इस तरह एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको कितने साल के हैं वो इसमें लिख लेना है। और यहाँ पे अगर आप 60 साल का ऊपर हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ नीचे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पाँच साल के कम आयु के लिए बच्चों के लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे उसका नाम और इसका यहाँ पे नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद उसका मेल है या फीमेल है यहाँ पे इसमें एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे उसका उम्र यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे उसके बाद दोस्तों अगर आपको गाड़ी संख्या और ट्रेन नाम, अगर आपको उधर से रिटर्न आपको वापस आना है तो आपको यहाँ पे फिर से गाड़ी संख्या और नेम यहाँ पे आपको लिख लेना है, और यहाँ पे जर्नी और यहाँ पे स्लीपर क्लास आपको फिर से उसी तरह से जिस स्टेशन से जाना है और जिस स्टेशन से जाना है तक आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो फॉर्म को फिल किया है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ उसका नाम। यहाँ पे मैंने उसका नाम एंटर कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता, फुल पता आपको लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फुल एड्रेस यहाँ पे लिख, इस तरह से आपको एड्रेस को आपको फिल कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर आप हमारे